दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मोबाइल फ़ोन के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को मिलने वाला है SD730 का चिपसेट, 25 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा, 3680 मिली एम्पियर की बैटरी जो कि वोक 3.0 फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन के साथ आती है। तो दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन का नाम होने वाला है आपका रियलमी एक्स। तो दोस्तों जानने के लिए बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस बेल के आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को मिल सके टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले। दोस्तों बात करें मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले की, तो मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को 6.5 इंची की IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन भी दिया होगा। दोस्तों बात करें मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को क्वालकॉम SD730G का चिपसेट देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। दोस्तों बात करें मोबाइल फ़ोन की रैम और स्टोरेज की, तो मोबाइल फ़ोन में आपका बेस वेरियंट आपका 4GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज का दिया होगा। इसके साथ आप लोगों को अलग से मेमोरी कार्ड के लिए डेडिकेटेड डिस्लोट देखने के लिए भी मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आप लोगों को डुअल कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आप लोगों का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया होगा और सेकेंडरी कैमरा आपका 5 मेगापिक्सल का दिया होगा। दोस्तों बात करें मोबाइल फ़ोन के सेल्फी कैमरा की बात, तो मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को 25 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन की बैटरी की, तो मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को 3680 मिली एम्पियर की बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है, जो आपकी वोक V3.0 फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाली है। दोस्तों बात करें मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड वर्जन की, तो मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को 9.0 यानी कि पाई पर रन करने के लिए ही एंड्रॉयड वर्जन दिया होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के सेंसर्स की, तो मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया होगा और साथ में आप लोगों को बेसिक सभी तरीके के सेंसर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात करें मोबाइल फ़ोन के लॉन्च डेट की बात, तो मोबाइल फ़ोन मई के लास्ट यानी कि इस महीने के लास्ट तक ही लॉन्च होने वाला है। दोस्तों वैसे इसकी अनऑफिशियल डेट जो आई है वो आई है आपकी 25 मई, यानी कि 25 मई को ये लॉन्च हो सकता है, लेकिन ये अभी तक कंपनी की तरफ से ऑफिशियल डेट नहीं आई है। दोस्तों बात करें मोबाइल फ़ोन के प्राइस की, तो मोबाइल फ़ोन आप लोगों का 16 से 17 हज़ार रुपये के अंडर में आएगा, यानी कि मोबाइल फ़ोन का बेस वेरिएंट जो कि आपका 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ होगा, वो आप लोगों का 16 से 17 हज़ार रुपये के अंडर में ही आने वाला है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और उस बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को मिल सके टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।